नमस्कार। तो आज मैं आया हूँ यहाँ बिजवाड़ा मध्य प्रदेश में। तो ये है कृषि तीर्थ, आइए जरा देखें। पंजाब में या ये बोले पूरे हिंदुस्तान में हम लोग ये देख रहे हैं कि हर जगह कुपोषण, कैंसर और ये सब बातें तो हो ही रही हैं। और सारा ये जो सिलसिला शुरू हुआ है वो पोषण से जुड़ा हुआ है। जो हम खा रहे हैं उसमें कहीं गड़बड़ है और भयंकर गड़बड़ है। तो हम सब लोग जानते हैं कि शुरू तो ये सब हरी क्रांति से हुआ। ये केमिकल और ये पेस्टिसाइड, तो इसी के समाधान के लिए बहुत जगह जगह मैं घूमा हूँ ये देखने के लिए कि एक्चुअली इसका सही जो है क्या इसका समाधान है। तो इसी के सिलसिले में ये दीपक सचदेव जी का जो फार्म है यहाँ, नेचर और इकोलॉजी को मिलके न्यूट्रिको फार्म इसको बोलते हैं, तो वहाँ मैं आज हूँ। सबसे पहले तो हम जब मैं इसमें एंटर करता हूँ तो सबसे पहले अगर आप यहाँ इधर देखेंगे, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बायोडाइवर्सिटी दिखाई देती है। अगर हम प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस यहाँ देखते हैं, एकदम सटे हुए प्लांट जैसे एक नेचुरल जंगल में रहते हैं। पूरा सनलाइट हार्वेस्ट यहाँ पे हो रहा है, बुशेज हैं, अंडरकवर है, ये सारा कोई भी एक भी पत्ता अगर आप इसको किसी को भी देखना चाहें, कोई भी पत्ता आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा जो बीमारी ग्रस्त हो या माल न्यूट्रिशन हो उसकी। ऐसा नज़ारा शायद बहुत कम ही देखने को मिलता है। और ये सब जो हो रहा है ये सब नेचुरल प्लांट फूड से हो रहा है। तो यहाँ दीपक भाई ने नेचर को मेमिक करने की कोशिश की है। हम लोग कार्बन की बात करते हैं, मिट्टी में कार्बन होना अच्छी बात है, लेकिन केवल कार्बन के साथ अगर हम सोचें कि सब सोल्यूशन हो जाएगा तो वो नहीं है। हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे और कैसे आएंगे, उसके लिए खूब काम यहाँ इन्होंने दीपक भाई ने किया है। सबसे अनूठी बात जो यहाँ मेरे को लगी, अगर इधर हम देखें तो कुछ पशुधन है इनके पास, कुछ गायें हैं, और ये वो गायें हैं जो ऐसे ही बेसहारा लोगों छोड़ दी गई लोगों से, उन्होंने कोई खरीदा नहीं है। और ये सब जो गायें हैं इनको दूध के लिए नहीं पाला गया, यहाँ पे दूध का उपयोग नहीं होता, केवल गोबर और गौमूत्र के लिए इनको बहुत प्यार से रखा जाता है। तो इसी गोबर और गौमूत्र से अमृत जल और अमृत मिट्टी का निर्माण करते हैं दीपक भाई। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। तो अमृत जल के लिए गाय का गोबर, मूत्र और थोड़ा शुगर कंटेंट लेके इसमें पूरा माइक्रोबियल कल्चर डेवलप करने के बाद इसमें बायोमास अच्छे से ड्रेंच करते हैं दीपक भाई। और 24 घंटे के लिए जब ये इसमें ड्रेंच रहता है तो पूरा अंदर तक सारा जो है माइक्रो कल्चर इसके अंदर अच्छे से समा जाता है। तो यहाँ पे कॉलोनियल काउंट भी बहुत बढ़िया होता है माइक्रोब्स का, और डाइवर्सिटी भी है उसमें। उसके बाद इसको निकाल के फिर कंपोस्ट करते हैं वहाँ बेड बना के। तो वो ड्रेंच्ड बायोमास से यहाँ हमने एक लो बेड बनाया और इसको कंपोस्ट होने के लिए छोड़ा यहाँ पे, और हफ्ते हफ्ते में इसको काट के एरिएशन करेंगे और इसको घुमाते हैं यहाँ पे। और उसके बाद फिर हाफ कंपोस्टिंग के बाद इस बेड के ऊपर अलग अलग रसों वाले जो सीड्स हैं वो डाल के उनको जर्मिनेशन उनका होता है। अगर आप ये देखें तो ये 3 दिन में जर्मिनेट हुआ और ये साइज है, ये 3 दिन पहले इसको जर्मिनेट करवाया गया। अब 21 डेज के बाद
इसको काट के इसको यहीं पे ग्रीन मैन्योरिंग इसका होगा, फिर 42 डेज के बाद होगा। और फिर अगर इधर हम बेड देखें तो उसमें फाइनल फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के बाद फिर उसको उसी में काट के डालते हैं। तो इस प्रोसेस में प्लांट की अलग अलग एज के जितने भी उसने अपने विकास के लिए डेवलप किया जो कुछ भी, वो सारा इस मैन्योर में आ जाता है। बेस्ट पार्ट इस पद्धति में ये है कि यहाँ जो मैन्योर बनता है वो अपने फार्म के बाहर बनता है। नॉर्मली अगर हम जो टेक्निक्स देखते हैं तो उसमें फार्म के अंदर ही मैन्योर बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे आप उसमें अगर सेमी डिकम्पोज्ड गोबर उसमें डालते हैं या सूखा कोई भी बायोमास फार्म के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो डिकम्पोजिंग के लिए अगर नाइट्रोजन कम है, मान लीजिए सूखा बायोमास ज़्यादा है, तो वो ज़मीन से नाइट्रोजन लेने लगता है। तो या तो आप फार्म के अंदर प्लांट्स ही ग्रो कर लो तो या कंपोस्टिंग ही कर लो। सो द बेस्ट पार्ट हेयर इज़ पार्ट वन इज़ के ये कंपोस्टिंग और ये जो हम प्लांट फूड या जो मैन्योर या खाद हम बना रहे हैं वो फार्म से बाहर बना रहे हैं, ये कोई भी फॉलो नहीं करता। एंड दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आप केमिकल में भी जाते हैं तो फूड प्लांट फूड है वो अलग से फैक्ट्री में बनता है, तो बेस्ट पार्ट ये है कि ये कंपोस्टिंग अलग से होती है। दूसरा, इसको अच्छे से ड्रेंच किया जाता है उसमें ताकि माइक्रोब काउंट जो है वो बहुत बढ़ जाए। उसके बाद सेमी कंपोस्टिंग करते हैं, हफ्ते हफ्ते इसको एरिएट करते हैं, उसके बाद फिर ये ऊपर जो ग्रीन लेयरिंग करके और अलग अलग स्टेजेस पे इसको दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इतना एनरिच्ड जो ये सबस्ट्रेट तैयार होता है जिसको अमृत मिट्टी का नाम दिया दीपक भाई ने, उसका अगर आप टेक्सचर देखेंगे या इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सब न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर, इस मिट्टी के अंदर, और इसका परिणाम यहीं पे मिलेगा आपको। अगर हम जैसे शुरू में हमने देखा वो पत्ते, वो प्लांट्स, वो सब बता रहे हैं कि उनको खाना पूरे अच्छे से मिला, और अनडाउटेडली ये कंप्लीट प्लांट फूड होने की वजह से किसी भी केमिकल खेती से ज़्यादा उत्पादन, केवल ज़्यादा नहीं, फुली न्यूट्रिएंट रिच जो जो उसमें तत्व चाहिए सारे के सारे उसमें होंगे। अगर हम केमिकल स्ट्रीम में जाते हैं तो जो केमिकल्स हम दे रहे हैं खाली वही तत्व उसमें आएंगे। ऐसे ही अलग अलग तरह के माइक्रोबियल स्ट्रीम्स भी बाज़ार में आते हैं, उनका यूज़ करने से भी केवल वही 2-4-5 स्ट्रीम जो उसमें है उसी का असर होता है, पर इसका जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत बड़ा है। तो इसको सिद्ध करती हैं जो आसपास यहाँ प्लांटेशन हुई है। आइए हम देखते हैं, यहाँ लेमन ग्रास लगा हुआ है। आपको साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप उस प्लांट को देखेंगे, उसके लीफ को देखेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो उसका प्लांट हेल्थ कैसा है। ये लगभग मेरे साइज़ का लेमन ग्रास है और आप देखिए ये झुका हुआ नहीं है, एकदम सीधा खड़ा है। इसका मतलब इसका जो पोषण है और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो पूरी है एकदम। काश मैं आपको इसकी महक सुंघवा सकता। ये इसका जो जो गुण है, स्मेल है, इसका जो इसका कलर आप प्लांट का देखिए, ये बाकमाल है, और इससे बड़ा सर्टिफिकेट नहीं हो सकता कि इसको जो जो खाना चाहिए वो सब इसको मिला। इसके अलावा अगर आप ध्यान से सुने तो कैमरे में भी आपको कम से कम 25-30 तरह की अलग अलग आवाज़ें सुनाई पड़ रही होंगी, अलग अलग पक्षी तितलियाँ, ये सब सर्टिफाई करती हैं कि यहाँ पे एक पूरा बायोडाइवर्स क्लाइमेट कंट्रोल क्रिएट हुआ। आइए आगे चल के हम कुछ और भी देखते हैं पौधे, जैसे केले, और वो उनका स्वास्थ्य भी आप ज़रूर देखिए कि इस मिट्टी की वजह से वो कैसे पल बढ़ रहे हैं। तो जो केले की हम बात कर रहे थे, इसकी भी प्लांट फिजियोलॉजी को अच्छे से समझते हुए दीपक भाई ने पूरा इस पर अध्ययन किया, कब इसको प्लांट को काटा जाएगा, कौन सा वाला इसका जो
नेक्स्ट जनरेशन है उसको रखना है और कैसे इसको नियोजित करना है, उस वो सारी जो इसका सिस्टम है उसको समझा। और ये सब समझने से होता क्या है कि जो लूम आता है आपका वो 40 से 45 किलो तक का लूम आता है और वेजिटेटिव ग्रोथ से ज़्यादा आपको फ्रूट्स इसमें मिलते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो जितना ये केला लगा है आपको एक भी प्लांट जो है वो अनहेल्दी नहीं दिखाई देगा। और ये थोड़ी सी जगह में है और अगर ज़मीन आप देखें तो पानी का इस्तेमाल भी बहुत कम। इसी बायोमास का जो पानी है वो एक कतरा भी इधर उधर नहीं जाने देते, उसी को रीयूज़ करके और उसी से काम लेके ये सब जो प्लांटेशन है वो हो रही है यहाँ पर। तो मिट्टी की बात तो हमने की, सबस्ट्रेट की, उस मिट्टी में सब तत्व हैं, कोई भी प्लांट उसमें उगे तो उसको हर तरह का न्यूट्रिएंट उसमें मिलेगा। इसके अलावा दीपक भाई साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं, पौधों का सहज ज्ञान है उसको कैसे बढ़ना है, कहाँ फ्रूट देना है। तो इसके शरीर शास्त्र को समझना, प्लांट फिजियोलॉजी को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो दीपक भाई ने उसको समझा और ये प्लांट्स को कैसे बढ़ना चाहिए, प्रूनिंग, थिनिंग, पिंचिंग, वो इस हिसाब से करते हैं कि आप देखिए कि यहाँ हर डाल पे, जबकि अभी उतना सीज़न भी नहीं है, हर डाल पे आपको एकदम स्वस्थ फ्रूट मिलेंगे। तो दीपक भाई ने इस चीज़ को समझा, कुदरत के नियमों को समझा और उसको अप्लाई किया। तो जो लोग भी यहाँ सीखने आते हैं उसमें पर्सनली दीपक भाई सबको साथ ले जाते हैं, यहाँ पे डेमोंस्ट्रेशन है, अगर कोई करना चाहे तो कर भी सकता है और उसके जो परिणाम हैं वो भी यहाँ एकदम दिखाई देते हैं। तो ये बहुत कमाल की बात है और कुछ भी यहाँ जो हो रहा है वो अनसाइंटिफिक नहीं है और बहुत साइंटिफिक अप्रोच है, इसीलिए रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया हैं। कोई भी प्लांट अगर आप यहाँ देखो तो वो पूरी तरह से स्वस्थ है और एकदम बढ़िया फ्रूटिंग कर रहा है। हम बात करते आ रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं कि कौन सा प्लांट है, अगर ये सिट्रस है तो इस पर भी आप देख सकते हो कि कितनी फ्रूटिंग हुई है, कैसे ये सारी ऊर्जा को वेजिटेटिव ग्रोथ की जगह फ्रूटिंग में कन्वर्ट करना है, इसके बारे में भली भांति जानते हैं दीपक सचदेव और सब बताते भी हैं और आपको हाथ से करवाते भी हैं। आइए आगे चलते हैं। मतलब ये नहीं है कि प्लांट कौन सा है, कोई सा भी प्लांट रहे, अगर सिट्रस भी है तो अगर आप उसमें ये देखेंगे, आप फल का साइज देखिए, फल का कलर देखिए, तो ये सब इसको जो प्लांट फूड मिल रहा है उसी की वजह से सब ये है। तो जैसे मैंने पहले कहा, प्लांट कोई सा भी हो, अगर यहाँ आप देखें ये मीठा नीम जिसको करी लीव्स भी हम बोलते हैं, ऐसा बढ़िया, ऐसा ग्रीन और ऐसा स्वस्थ करी लीव्स शायद ही आपने कहीं देखे हों। तो यहाँ दीपक भाई करी लीव्स और अल्फा अल्फा, मोरिंगा, ऐसे तमाम प्लांट्स उगाते हैं और उनका पाउडर जो बना के वो भी उपलब्ध है। और मज़े की बात है, यहाँ जितनी फ्रूटिंग होती है, चाहे वो किसी भी पेड़ की है, मौसमी है, कुछ है, वो सब यहाँ पे फ्री में बांटते हैं दीपक भाई, उसमें से कुछ भी बेचा नहीं जाता। यही सब जो है इनका पाउडर बना के वही यहाँ आप ले सकते हो, बाकी आप यहाँ आओ, सब कुछ भी जो चीज़ आपको खानी है, या बाहर वाले जो बच्चे मैंने देखा वो आके सब आते हैं यहाँ, तो उनको फ्री में बांटा जाता है। ये सिंदूर का पेड़ अगर आप देखें तो आप किसी भी पेड़ को देखो, उसकी प्लांट हेल्थ आपको ये बताएगी कि वो कितना खुश है यहाँ पे। और अगर इधर आप देखें तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, प्लांट की डेंसिटी आप देखो, एकदम पास पास में सब प्लांट्स और सब अच्छे से हो रहे हैं। इतनी बायोडाइवर्सिटी ये बिना अच्छी मिट्टी के संभव नहीं है। और जो बैकग्राउंड में आपको ये चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही है वो इस चीज़ का प्रमाण है कि यहाँ पे ऐसा एक इको क्लाइमेट क्रिएटेड है
जिसको कुदरत के सब परिंदे सब चाह रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ आके अपना घोंसला और सब बना रहे हैं।